मशीनरी खराब गई नमाज आया हो गई इंतजाम क्या लूक आए तफा पे यह नालियत ये मौक पे दूर दूर पे आई लूक पन अड़ आई पैदल मगर ये हाल गुतब खुतब जरूरी अत म वजब खुतब मगर इन पे अत पू बुजद पूरे बारामला में लाइट बंद थी तो इस ईदगाह के इलाके में लाइट ऑन रखनी चाहिए थी क्योंकि जम्मे गफीर का जमा होना है यहाँ पे। आए थे हम नमाज अदा करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन इंतजामिया औकाफ इस्लामिया बारामूला इतना फेल है, आज तक इन्होंने कोई काम का नहीं किया है। माइक सिस्टम थोड़ी सी बात है, अगर खरीद भी लेते 3000 रुपए की माइक आ जाती, कम से कम लाखों लोग दर बदर ना हो जाते। खुतबा सुनना सुन्नत है, दुआ हमने सुनी नहीं और हम तरसते हैं अमीर साहब की दीदार के लिए, उनकी कोई बात ही नहीं हमने सुनी। अपनी तकरीर जब इन्होंने करनी थी उस टाइम में माइक ठीक थी, उसके बाद माइक खत्म। माइक नहीं चला की तवज्जो देखिए बारामुल्ला में आज तकरीबन 4 या 5 साल के बाद नमाज हुई। कोरोना हो, आफ्टर आर्टिकल रिवोकेशन 370 हो, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकाजात से यहाँ पे लोग आए थे नमाज अदा करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ के इंतजाम इतने खराब थे कि हम खुतबा नहीं सुन सके। यहाँ पे सिर्फ मैटिंग बिछाई गई थी और कोई भी इंतजाम नहीं थे। इतनी कड़क धूप में कोई भी शामियाने का तो छोड़ी, यहाँ पे माइक का भी इंतजाम नहीं रखे गए थे ताकि अमीर साहब जो खुतबा दे रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे हम, वो बहुत मुश्किल से हुई। यहाँ पे नमाज मुकम्मल नहीं हुई। जवानों को आगे आना चाहिए, जवानों को लीड लेनी चाहिए यहाँ की, ताकि हम ऐसे हादसा दोबारा न देखें, हमारी नमाजें पूरी हो, हम ऐसे जगहों को बचा सके, चाहे पब्लिक स्कूल हो, चाहे ईदगाह जदीद हो, चाहे ईदगाह कदीम हो, ये हमारी विरासत है, हमारी मिल्कियत है, हमें इसको आज भी बचाना होगा और कल भी बचाना होगा। मैं लोगों से माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ लोगों से, बारामूला के आवाम से, जो भी जहां से यहाँ आया था नमाज पढ़ने के लिए, उनसे मैं दिल की इमी गहराइयों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि एक गलती हुई है, वो हुई है, मिस्टेक हुई है कि खुतबा लोगों ने नहीं सुना, इसके लिए हम बड़े माजरत का है, हम माफी चाहते हैं उनसे। लेकिन दोष जो हम देते हैं, इतना हम औकाफ इस्लामिया पर नहीं देते हैं जितना दोष हम बिजली डिपार्टमेंट पर देते हैं। अगर हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा 2 दिन पहले या 1 दिन पहले दी ईद का हूं मैं चेक कर रही थी, उनको पता है कि पावर की जरूरत है, इसी दिन इसी टाइम पावर क्यों बंद हो गया? अगर लाइट नहीं थी तो जनसेट में फ्यूल क्यों नहीं था? हमने फ्यूल लाया था, ज्यादा चलने के वजह से, मतलब कुछ जनरेटर की टेक्निकली खराबी हुई, उस वजह से वो बैठ गया। लेकिन उम्मीद एक थी कि आज हमारा ईद अल जुहा है, हमारी ईद है, हमारा बड़ा दिन है, सरकार को बड़ा इसमें मतलब होशियार रहना चाहिए था, उन्हें इस टाइम पे पावर नहीं लेना चाहिए था, जबकि पावर का सिस्टम हमें आप देख सकते हो और दिखा सकते हो कि मेंबर के साथ में लगा हुआ है। मतलब ये बदकिस्मती है, मैं बदकिस्मती से कहूंगा, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से अगर उन्होंने विजिट किया यहाँ तो उनको ये देखना चाहिए, इनका पावर भी यहाँ है, सब कुछ है, और उनको हिदायत देकर रखनी चाहिए थी अपनी बिजली डिपार्टमेंट को, बिलखुसूसन इस टाइम में लाइट 7:30 से लेकर 8 बजे तक लाइट ना जाए। शुक्रिया, वसलाम।
के लिए हम अपने आवाम से माफी चाहते हैं। बेशक हमारी कोताहियां हो सकती हैं और उसके बारे में बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इससे बड़ा मसला यह है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जानती है कि आज ईद का दिन है और हमारी जिला इंतजामिया ये वो भी जानती है कि ईद की नमाज 7:30 बजे है। तो कम से कम अगर पूरे बारामूला में लाइट बंद थी तो इस ईदगाह के इलाके में लाइट ऑन रखनी चाहिए थी, क्योंकि जम्मे गफीर का जमा होना है यहाँ पे, कोई भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। हम बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमारी कोताही है, यह हमारी कोताही हो सकती है, इसके लिए हम बारामूला के मुसलमानों से माफी मांगते हैं और बाज़ाब्ता इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम चला रहे हैं, हर एक इंतजाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मसला यह भी है कि जिला इंतजामिया भी बराबर इसके लिए जिम्मेदार। माइक सिस्टम जो लगाया गया था।